नमस्कार, विनायक जी की, गणेश भगवान की खीर चावल की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटा भगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगे। ये कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया के पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा वह चुगली न कर दे, इसलिए कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चाकी के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर दीवार के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज, आपको भोग लगे, ये कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आ जा रे गणेश, खीर खा ले, खाने में तेरा इंतज़ार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई गणेश? तो कहा, तेरे पोते ने खाई तब खाई, तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी को सुबह से काम में लग रही है तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जूठा बर्तन पड़ा है, तूने तो मेरा भोग तो लगाया था, वो तो बिना भोग के ही सारी खीर खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को खिला दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर खिला दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और खीर में आते ही कीड़े मकोड़े बिच्छू कंकड़ चले गए, दुर्गंध आने लगी खीर में से। यह देखकर राजा ने बुढ़िया को से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले कभी क्यों नहीं दिया? यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह जब सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के दो मटके मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए। झोंपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ नहीं मिला। बहू ने सासू माँ जी से कहा, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो कोनी, लॉन में देख, सुई लेकर खोजने लगी तो एक टन टन के दो मटके निकले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास सुनने वाले सभी को देना। हे गणेश महाराज, ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना। आपको दोस्तों मेरी ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।